दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ इस घंटा को भी दबा देना ताकि आप कोई भी खबर या जानकारी मिस न कर पाए। हेलो दोस्तों, मैं हमीर, आपके एमस्टी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं गाइस फाइव स्टूडियो का नया वीडियो लेकर वीडियो में आज हम बात करेंगे जमशेदपुर एफसी के न्यू हेड कोच के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो को आज तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग तो जानते होंगे कि जमशेदपुर एफसी का जो पुराना हेड कोच था स्टीव कॉपर, जो आईएसएल 4 में उनके तरफ से हेड कोचिंग किया था, जो अब चला गया है एटीके में और एटीके तरफ से आईएसएल 5 में हेड कोचिंग करेगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा मुश्किल खड़ा हो गया था जमशेदपुर एफसी के लिए, क्योंकि जमशेदपुर एफसी को फिर से हेड कोच चुनना पड़ेगा। स्टीव कॉपर जैसा एक्सपीरियंस उनको हेड कोच की ज़रूरत है, क्योंकि उनका टीम बहुत ही अच्छा है। अगर ठीक तरीके से कोचिंग किया जाए तो उनका टीम आईएसएल का बहुत ही बड़ा एक टीम बन सकता है। तो दोस्तों जैसा कि जमशेदपुर एफसी ने फाइनली एक ऑफिशियली अपना जो ट्विटर पेज है एक हेड कोच घोषणा कर दिया है, जिसका नाम है सीजर फेरांडो, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट बताता हूं। तो फेरांडो स्पेन से बिलोंग करते हैं, उनका एज 58 इयर्स और एक समय उनका जो पोजीशन था वो था मिडफील्डर। तो दोस्तों मिडफील्डर के पोजीशन पर खेलते हैं, उन्होंने स्पेन के बहुत सारे क्लबों की तरफ से खेला है। तो दोस्तों उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और दोस्तों अगर मैनेजमेंट की बात करें तो उन्होंने स्पेन के बहुत सारे क्लब को मैनेज कर चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले जो नाम निकल के आ रहा है वो है गांडिया। तो दोस्तों गांडिया स्पेन का एक क्लब है, उसके बाद वैलेंसिया बी, इल्चे जैसी क्लबों को उन्होंने कोचिंग दे चुका है, उनका हेड कोच रह चुका है। और दोस्तों सबसे बड़ा जो उनका एक्सपीरियंस था लालिगा के एक टीम को मैनेज करना, जिसका नाम है एथलेटिको माद्रिद, इनके बारे में तो आप तो जानते होंगे। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि 2004 और 5 में एथलेटिको माद्रिद की तरफ से उन्होंने हेड कोचिंग किया था, एथलेटिको माद्रिद का हेड कोच था। तो दोस्तों उनके पास बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस है, और जमशेदपुर एफसी के लिए जो एक फायदेमंद बात साबित हो सकता है आईएसएल 5 में। तो दोस्तों फाइनली जमशेदपुर एफसी ने अपना हेड कोच घोषणा कर दिया, और हेड कोच के बारे में बस इतना ही जानकारी था आपको। अगर और भी कुछ जानना है तो आप मुझे सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर पूछिए, मैं आपको जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। और दोस्तों अभी भी दिल्ली डायनामोज ने अपना हेड कोच घोषणा नहीं किया है, कन्फर्म नहीं किया है, उनको 1 अगस्त से पहले अपना हेड कोच कन्फर्म करना पड़ेगा। और जैसा ही मैं कन्फर्म हो जाता है, कुछ न्यूज़ अगर निकल के आता है तो मैं आपको जरूर वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी आईएसएल 5 से जुड़े इस तरह के इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में पता चले। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा।